हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंटिंग बनने वाली बच्चों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बॉर्डर खींच लेना है, लाइन ले लेना है चारों तरफ से। तो स्कूल के किसी प्रोजेक्ट के लिए या फिर एग्जीबिशन के लिए हम आसानी से बच्चों को ये बनाना सिखा सकते हैं घर में कि वो कैसे बनाएं। बड़े बच्चे इन्हें आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले मैं वाटर कलर से येलो कलर मैंने लिया है उसे मैं पेंट कर दूंगी, ठीक है। हाफ़ मैं येलो कलर से पेंट करूंगी और हाफ़ ऑरेंज कलर से। ऑरेंज अगर नहीं है तो फिर आप येलो में रेड मिला करके ऑरेंज बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था, तो मैंने ऑरेंज कलर इस तरह से बनाया। और येलो और ऑरेंज दोनों ही हम इस तरह से कलर कर लेंगे। आप ब्राउन कलर भी ले सकते हैं, इस तरह से कलर दोनों तरफ कर लेंगे। ये हमारा बेस तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें ड्राइंग करनी है। तो ड्राइंग करने के लिए देखिए, मैं पेंसिल से ही पहले स्केच कर ले रही हूँ। वो मैं जब आउटलाइन करूँगी ब्लैक से, ब्लैक मार्कर से, तो फिर आपको पता चलेगा कैसे करना। बहुत ही इजी है, केवल ट्रायंगल सर्कल इस तरह से ध्यान देना है हमें कि अच्छे से बन जाए। तो पहले मैं पेंसिल से स्केच कर ले रही हूँ। ओके, ये सन बनाया और ये ट्री। पहले मैंने सन बनाने के लिए वाटर वाइट कलर का यूज़ किया है, और उसके बाद फिर मैं इसे येलो ऑरेंज कलर से बाद में इसे मैं ठीक कर लूँगी। देखिए, मैं आउटलाइन दे रही हूँ पहले, इस तरह से मैं सर्कल बनाना है। पहले मुझे क्या करना था, पहले मैं फ़ील करना चाहती थी पर मैंने फ़ील नहीं किया। पहले मैंने सोचा कि मैं आउटलाइन ही बना देती हूँ। ये देखिए, मैंने ट्राइंगल इस तरह से बनाया हुआ है और इस तरह से इसका लेग बन जाएगा, इस तरह से इसका हैंड बनेगा। बहुत ही इजी है, बच्चे इसे आराम से कर सकेंगे इसका स्केच। ये देखिए, इस तरह से ये एक ढोल बजा रही है और एक और मैं बना रही हूँ। इस तरह से हम सब में मैं आउटलाइन बनाते जा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। ये एक्चुअली वार्ली पेंटिंग इसे कहते हैं, जैसा कि मैंने मेंशन किया हुआ है थंबनेल में। अब ये मैं ट्री बनाने जा रही हूँ। देखिए, इसके लिए आपको इस तरह से लाइन खींचनी है, थोड़ी कर्व लाइन, कर्व लाइन होना चाहिए इस तरह से। और फिर इस तरह से हमें खींचना है लाइन। ये आप स्केच पेन मार्कर से आराम से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी पेंटिंग है, आप चाहे तो वाटर कलर से भी इसे कर सकते हैं। बहुत ही इजी पेंटिंग है ये, आराम से बच्चे इसे कर पाएंगे। यहाँ मैं ब्लैक कलर फील कर रही हूँ वाटर कलर से, आप चाहे तो स्केच पेन से मार्कर से भी फील कर सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा आराम लगा कलर से ही फील करने में। इस तरह से हमें सर्कल और ट्रायंगल को फील कर देना है, ठीक है, ब्लैक कलर से। जनरली वार्ली पेंटिंग में ऐसी किया जाता है, आप कलरफुल भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से मैंने ये पूरे में कलर कर दिया ब्लैक से। ये देखिए, इस तरह से अब यहाँ ट्री में भी यहाँ मैं फील करने वाली हूँ ब्लैक से। थोड़ा सा मैं इसमें स्टॉक दे रही हूँ
वाटर कलर, वाटर कलर ब्लैक से। अब ये मैंने सन के लिए ऑरेंज कलर लिया है और फिर इसमें मैं साइड साइड येलो कलर दे दूंगी और फिर इसे मिक्स कर देना है हमें। इस तरह से मिक्स कर देना है और अब मैं ये आउटलाइन दे रही हूँ, जो हमारा कलर जो है वो फिल करते वक्त जो इधर उधर गया है उसमें मैं आउटलाइन दे दूंगी। आप चाहे तो आप इस साइड को, जो चारों साइड्स हैं उन्हें आप सेलो टेप से भी कवर कर सकते हैं। इतने अच्छे अच्छे सेलो टेप्स आते हैं कलरफुल, आप उनसे भी कवर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगेंगे। लेकिन मैं यहाँ ब्लैक से फील कर रही हूँ चारों तरफ और मैंने सोचा कि क्यों ना हाथ से ही कुछ कर लिया जाए सेलो टेप ना यूज़ करके। तो सेलो टेप भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, कलरफुल सेलो टेप। और ये मैं देखिए डॉट डॉट दे रही हूँ वाइट कलर से इस तरह से। ये मैं दोनों तरफ साइड्स में इस तरह से डॉट डॉट दे दूँगी और फिर ये देखिए दोनों तरफ मैंने दे दिया है और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमें मैं लाइन खींच दूँगी, स्लैंटिंग लाइन टाइप का, स्लैंटिंग लाइन ही सही, वही जी इस तरह से स्लैंटिंग लाइन। बस थोड़ा सा लुक चेंज करने के लिए आपको जो अच्छा लगे वो आप कलर कर, वो आप डिज़ाइन दे सकते हैं। और मैंने इसमें भी डॉट डॉट दे दिया है बीच में इस तरह से। ये दूसरी साइड में भी मैंने इसी तरह कर दिया है। इस तरह से ये तैयार हो चुका है वार्ली पेंटिंग, ये देखिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी और बहुत ही इजी है बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत ही इजी है ये। और स्कूल में भी अगर आपको एग्जीबिशन वगैरह के लिए, पेंटिंग के लिए, आप ये पेंटिंग चूज कर सकते हैं वार्ली पेंटिंग, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, वो आराम से इसे कर सकते हैं। ओके, तो फिर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ डालती हूँ बच्चों के लिए, पेंटिंग से भी रिलेटेड और पढ़ाई से भी रिलेटेड। तो ठीक है फ्रेंड्स, ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।